नमस्कार सभी को, आज महाशिवरात्रि के सभी को शुभेच्छा अभिनंदन। साथ ही आज दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने आज एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने स्पेशली जो पूरे देश में एक कांग्रेस पार्टी द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, जिससे पूरे देश में एक कांग्रेस का पूरा नया ढांचा, नया संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया है। उसी के साथ साथ में हमने आज दादरा नगर हवेली में 1 मार्च से 31 मार्च तक हम डिजिटल सदस्यता अभियान का मूवमेंट आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, उन तमाम जो प्रदेश की जनता है उनके पास हम पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट के साथ में, इस सदस्य अभियान में हम जुड़ने के लिए आह्वान करेंगे। साथ ही जो युवा दादरा नगर हवेली में, आज आप सभी को पता है कि दादरा नगर हवेली की समस्या क्या है। पिछले 3-4-5 साल से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ही यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है और बिल्कुल ही जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका की बात हो या कोई भी ऐसा चुनाव जनप्रतिनिधि है, बिल्कुल आज दादरा नगर हवेली में उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। और उनका अगर अस्तित्व कायम रखना है या लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दोबारा दादरा नगर हवेली में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमें यहाँ पर मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको और जनता को आपके माध्यम से बात पहुँचाना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली में आज जितना भी विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री की बात हो रही है या टैक्स फ्री की बात हो रही है या पूरे भारतवर्ष से जो भी लोग यहाँ पर आके बसे हैं, उनका अगर उत्थान अगर और विकास हुआ है तो वो कांग्रेस के समय में हुआ है, क्योंकि उस समय पे ही कांग्रेस के कार्यकाल में ही यहाँ पर इंडस्ट्रीज आई थी और टैक्स फ्री की वजह से पूरे भारत देश के लोग आए और हर व्यक्ति यहाँ पर, पूरे ऐसा कोई देश का खूना नहीं होगा जहाँ से यहाँ पर लोग नहीं है और बिल्कुल यहाँ पर आराम से शांति से यहाँ से जी रहे हैं। लेकिन पिछले 7-8 साल से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है और यहाँ पर जब से जो मोदी सरकार द्वारा प्रशासक के तौर पर श्री प्रफुल्ल भाई पटेल की जो नियुक्ति हुई है, तब से बिल्कुल ही यहाँ पर लोकतंत्र और दादरा नगर हवेली चुने हुए जनप्रतिनिधि बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो चुका है। उस चीज़ को जीवंत करना है हमें कि नगर हवेली में बहुत सारे अधिकारी आए हैं, बहुत सारे अधिकारी IAS, IPS, IFS, IRS या यहाँ पर 2-3 साल के लिए आते हैं, लेकिन आज हम पिछले कुछ समय से जो देख रहे हैं, बिल्कुल नगर हवेली में यहाँ पर तानाशाही अधिकारी, कुछ अधिकारियों को तानाशाही बिल्कुल चरम सीमा पर चल रही है। उसे अगर कंट्रोल करना है, भ्रष्टाचार, जैसे आप लोगों को पता है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी के पास या कोई भी डिपार्टमेंट आप जाओ, बिना पैसे से, बिना दलाल के कोई काम होता नहीं है। तो ये जो समस्या है, जो परिस्थिति है, उसे अगर उसे कोई बचा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो आपके माध्यम से हम प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़िए और प्रदेश में नई राजनीति के तौर पर, नए नेतृत्व के लिए और जो प्रदेश के जो युवा है इधर उधर जो भाग रहे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए हम आह्वान करते हैं। और जो आज ये हम हमारे जो ASCC के जो हमारे मेंबरशिप अभियान खत्म होने के बाद जो हमारे यहाँ पर, जैसे कभी कांग्रेस की पूरी एक बॉडी होती है, परिषद अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिला स्तर की और ब्लॉक लेवल कमेटी, जैसे ही 31 मार्च को हमारी सदस्य अभियान जो खत्म होगा, उसके बाद तुरंत ही 1.5 से 2 महीने में ये ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश स्तर की जो लेवल का जो हमारा अध्यक्ष पद तक का है, उसका चुनाव होगा, यानी कमेटी को ही चुनाव होने वाली है। और इस चुनाव में माध्यम से जो नए युवा हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसे यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल के जो परिषद अध्यक्ष रहेंगे, जिला के अध्यक्ष रहेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के की चुनाव होगा और प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चुनाव होगा। ये आने वाले 1.5 महीने में ये चुनाव होंगे। और इस अभियान के माध्यम से हम दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी की ओर से 25,000 लोगों को जोड़ने का हमारा टारगेट रखा है। बस यही आज आपके माध्यम से ये मिशन जो आज हमने, आज का दिन जो महाशिवरात्रि का पर्व है, आज के दिन के ऊपर हमने ये डिजिटल सदस्य अभियान हम शुरू कर रहे हैं। ये अभी तक क्या हुआ है कि पूरा हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें आज ऑनलाइन डिजिटल चीज़ें हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी हमारे ASCC ने भी निर्धारण किया है कि अभी पूरा जो सिस्टम है, जितने भी पूरे देश, दुनिया के जितने देश के जितने भी लोग हैं, हमारे दादरा नगर हवेली के पूरे भारत जितने भी हमारा राज्य है, वो तमाम लोग डिजिटलाइज, उसका एक सिस्टम बनाया गया है। इसमें उनका जैसे कि चीफ एनरोल
एनरोलर्स और मेंबर, इस तरह तीन कैटेगरी बनाई गई है। इसमें बहुत दो मिनट में डायरेक्टली आपको मोबाइल से ही आपको दो मिनट में काम हो जाएगा। उसका नाम लिखना है, आपका ये वोटिंग कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद फोटो लेकर तुरंत ही आपका उसके ऊपर ऐप आ जाएगा और आपके पास ऑनलाइन ही आई कार्ड भी उसका हमें अवेलेबल होगा। जो फी है वो 5 रुपया है, जिसको भी मेंबर बनाया उसको 5 रुपया उसके लिए ये है। और जो पुराने कांग्रेसी है या ये ऐसे हैं जो पद पर रह चुके हैं उनके लिए 100 रुपीज़ इस तरह से इसमें रखा गया हुआ है जी।